ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे पास टू रूल्स होते हैं। फर्स्ट इज बी पॉजिटिव एंड सेकंड इज लेट इट बी। जब अपनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करी थी, सबसे पहले मैंने इन दो रूल्स को फॉलो किया था। फर्स्ट इज बी पॉजिटिव, मैं बिल्कुल पॉजिटिव था और मेरे माइंड में ये नहीं था कि मेरे हेयर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। मेरे को लगता था और मैं अपने माइंड में यही थिंकिंग करता था कि मेरे जो हेयर हैं वापस आएंगे, चाहे कितने भी हेयर फॉल हो जाए, बट मेरे हेयर एग्जैक्टली इस प्लेस पे वापस आएंगे। सबसे पहले आपको अपने माइंड में पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। एंड सेकेंड रूल, लेट इट बी। अगर आपका हेयर फॉल बहुत तेजी से हो रहा है, आपके 2 हेयर्स गिर रहे हैं, 3 हेयर्स गिर रहे हैं, 4 हेयर्स गिर रहे हैं, तो आपके अपने माइंड में रियलाइज नहीं करना है उस चीज़ को। बिल्कुल फ्री माइंड रहना है कि मेरे हेयर चाहे कितने भी गिर रहे हैं बट आपके हेयर एग्जैक्टली यहाँ पे आएंगे, ये आपको अपने माइंड में थिंकिंग रखनी है। कुछ भी हो, चाहे कितना भी गंदा आपका हेयर फॉल हो रहा हो, बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है और ये मैं सोचना कि मेरी हेयरलाइन पीछे जा रही है, क्या पता आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे पहले दो रूल थे जो मैंने अपनी हेयरलाइन रीग्रोथ और पूरी जो स्कैल्प के हेयर थे, जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट किया था तो मैंने इन चीज़ों का ध्यान रखा था। तो जितना भी मेरा सारा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन था, जितने मैंने सारे अपने हेयर रीग्रोथ किए थे, तो बिल्कुल नेचुरल था। उसमें मैंने कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किया था, वो मेरी खुद की रिसर्च थी, खुद पे जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे उसका रिजल्ट था बिल्कुल। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको कि मैंने क्या क्या मिस्टेक की थी और क्या क्या स्टार्टिंग में जो मैंने मिस्टेक की थी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और मैं ये भी बताऊँगा क्या क्या मैंने फॉलो किया था जिससे मेरी हेयर रीग्रोथ है इतनी बढ़िया स्टार्ट हो गई थी। फिलहाल मैंने अभी अपने हेयर जो है ट्रिम कराए हुए हैं, क्योंकि समर के टाइम में अपने हेयर ट्रिम भी करा लेता हूँ, मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे हैं, तो उसके इस वजह से मैंने अपने हेयर जो है ट्रिम कराए हुए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। हर चीज़ में आपसे डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या मैंने किया था अपनी हेयर रीग्रोथ जर्नी में। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए चलिए करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। तो पहली मिस्टेक मेरी, फर्स्ट मिस्टेक मेरी ये थी जब मैंने अपनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट की, कि मैंने क्या किया, मैंने हेयर शेव करा लिया बिल्कुल। मैंने क्या किया, बिल्कुल उस तरह लगवा लिया अपने हेयर में। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि जिस वक्त हमारे जो हेयर हैं, हेयर फॉलिकल्स वीक होते हैं, जब हम अगर हाथ में अगर अपने हेयर्स को अगर ऐसे हाथ में लगाते हैं, तो अगर हमारे हेयर बहुत ज़्यादा गिरते हैं, उस कंडीशन में आपको हेयर शेव नहीं कराना चाहिए। क्योंकि जो हमारे बिल्कुल हेयर होते हैं जो बिल्कुल वीक होते हैं, तो उनकी जड़ एकदम गिरना स्टार्ट हो जाती है जब हमारे वहाँ पर रेजर लगता है, उस तरह लगता है। तो उस कंडीशन में बिल्कुल आपको करना क्या है, आपको जो अपने हेयर्स हैं उनको ट्रिम करा लेना है। 1 नंबर की ट्रिमर लगवा सकते हो, 2 नंबर की ट्रिमर मशीन लगा सकते हो, बट आपको हेड शेव बिल्कुल नहीं कराना है। सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने हेड शेव कराया था, बट आपको हेड शेव नहीं कराना है, आपको हेयर ट्रिम कराना है। तो मैंने ये बताया आप मेरी मिस्टेक भी क्या थी और आपको कराना क्या है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी हेयर जर्नी, सबसे पहले आपको हेयर ट्रिम करा लेना है। उससे होगा क्या, जो भी आप ऑयल अप्लाई करोगे, जो भी आप ट्रीटमेंट यूज़ करोगे नेचुरली, वो आपकी रूट तक जाएगा, ठीक है, वो रूट तक जा पाएगा और आप अच्छे से वर्क कर पाओगे अपने हेयर में। और आपको ये भी पता लग जाएगा अगर आपने अपने हेयर को ट्रिम करा लिया कि आपके हेयर की पैचेस ज़्यादा कहाँ पे हैं, आपके हेयर कम कहाँ पे हैं। क्योंकि अगर हमारे हेयर बड़े होते हैं तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता लग पाता कि हमारे हेयर कहाँ कहाँ से कम है और कहाँ कहाँ से हमें रीग्रोथ कराना है। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप अपनी हेयर रीग्रोथ जर्नी करा रहे हो, आप हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपनी जो है हेयर ट्रिम करा लेने हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 नंबर की मशीन लगवा रहे हो फिर सेकंड नंबर की मशीन लगवा रहे हो, तो आपको हेयर ट्रिम जरूर कराना। और सेकंड मिस्टेक जो मैंने की थी कि मैं सोचता था कि मेरे जो हेयर हैं बिल्कुल 10 डेज में आएंगे या फिर 1 मंथ में आ जाएंगे, फिर 2 मंथ्स में एकदम रीग्रोथ हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं रखनी है कि मेरे हेयर जो है जल्दी से जल्दी रीग्रोथ हो जाएं, क्योंकि नॉर्मल हेयर को भी आने में टाइम लगता है। जो आपके नॉर्मली ग्रो रहे हैं उनको भी ग्रो होने में टाइम लगता है, तो वो तो फिर आपके स्टार्टिंग से ग्रो हो रहे हैं, रीग्रोथ हो रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। आप अपनी हेयर रीग्रोथ को टाइम दीजिए, बिल्कुल भी अपने आप को प्रेशराइज मत करिए कि पता नहीं मेरे हेयर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। वो चीज़ अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए भाई, और बिल्कुल अपने हेयर्स को टाइम दीजिए। नियर अबाउट 5 या 6 मंथ का तो टाइम दीजिए ही। अगर आप कोई भी नेचुरल जो है ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हो, फिर भी कोई भी आप ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हो, तो अपनी हेयर रीग्रोथ जर्नी में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। गिव टू योर टाइम टू योर हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आपको अपनी जो हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसमें आपको टाइम देना है अपने हेयर को। तो जब मैंने अपनी हेयर रीग्रोथ जर्नी स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पर मेरी डाइट अच्छी नहीं थी। मैंने अपना हेयर शेव करा लिया था, मैं हर चीज़ का ध्यान रख रहा था, बट मेरी डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके 1 और 2 मंथ्स बाद मुझे पता लगा कि डाइट का सबसे बड़ा रोल होता है।
क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो सारा डाइट के ऊपर होता है, तो आपको डाइट अच्छी रखनी है। फर्स्ट मिस्टेक मैंने ये की थी कि अपनी डाइट मैंने अच्छी नहीं की थी, अपनी डाइट में मैंने इम्प्रूवमेंट नहीं किया था। तो आफ्टर 2 मंथ्स मैंने इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया था अपनी डाइट में। तो डाइट की वीडियो मैंने रेडी करी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे दिए हैं, सारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हर चीज़ जो मैंने अपनी नेचुरल जो अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी में स्टार्ट की थी उस वक्त मैंने फॉलो किया था। तो मैंने 1 बाय 1 करके पार्ट बना दिए हैं, आप उसको एक एक करके इन वीडियोस को देख सकते हो। और भाई गारंटी लेता हूँ कि आपके 4 मंथ्स में, आपके बिल्कुल एग्जैक्टली 4 मंथ में आपके सारे हेयर ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नेचुरली मैंने सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो सिर्फ आपको ये करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारी वीडियोज़ को जाके देखना है और 100% आपके हेयर ग्रोथ हो जाएंगे। सारा मेरा एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया था वो बिल्कुल 100% वर्क किया है, मेरे पे भी वर्क किया है, तो जितने को मैंने बताया है उन पे भी वर्क किया है। तो आप उसको जरूर फॉलो करना, मैं आपसे बड़ी बार कह रहा हूँ उसको आपको जरूर फॉलो करना है। तो जो मैंने मिस्टेक की थी डाइट की, तो डाइट को मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और आज भी मैं जो डाइट है बहुत अच्छी फॉलो करता हूँ, तो इसलिए मेरे जो हेयर ग्रोथ है वो अब तक सही है। तो सबसे बड़ी जो आपको ध्यान रखना है, तो आपको अपनी जो डाइट है उसको अच्छा रखना है। अब बात आती है एक्सरसाइज की। स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, आपको मैंने बताया कि मैं नेचुरली ही सब कुछ फॉलो कर रहा था, तो मैंने केवल बालायाम योगा एक थी जिसको मैं फॉलो कर रहा था। तो उससे रिजल्ट मिलता तो है लेकिन बस थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है वो। अगर बालायाम को हम कर रहे हैं एग्जैक्टली हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है बालायाम से, बट वो बहुत स्लो प्रोसेस है। स्टार्टिंग में 1 और 2 मंथ्स मैंने बालायाम ही स्टार्ट अपना जो है जारी रखा, केवल बालायाम इन एक्सरसाइज में केवल मैं बालायाम करता था। उसके बाद जो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, फिर मैंने हेड स्टंट, सर्वांगासन, हलासन, सारे वो एक्सरसाइज, सारे वो योगा स्टार्ट कर दिए जिनसे ब्लड सर्कुलेशन हमारा स्कैल्प की साइड आता है। तो वो आपको सारी एक्सरसाइज फॉलो करनी है। मॉर्निंग में नियर अबाउट आपको 1 आवर आपको अपनी बॉडी को देना है। आपको रनिंग करनी है, स्टैटिक रनिंग कर सकते हो आप एक जगह खड़े होकर, एक जगह स्टैंडिंग पोजिशन में आप रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, उससे भी आपका पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। और नॉट इन योर हेयर, आपकी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो योगा और एक्सरसाइज आप जरूर करिए जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके, तो ये चीज़ जरूर आपको करनी है। और एक्सरसाइज पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैंने अपने एक्सरसाइज कभी स्किप नहीं की, अपनी पूरी हेयर ग्रोथ जर्नी में मैंने अपनी एक्सरसाइज को डेली अपने रूटीन में रखा है। तो आपको भी एक्सरसाइज डेली करनी है, स्किप नहीं करनी है। उसके बाद बात आती है ऑयलिंग की। ऑयलिंग में करता था नेचुरल ऑयल से, एक अर्निंग का माउंटेन ऑयल है वो बिल्कुल नेचुरल है, उसको मैं स्टार्टिंग से यूज़ कर रहा हूँ। अब आगे मैंने अपना जो ऑयल है वो चेंज कर लिया है, अब मैं यूज़ करता हूँ मामर्थ का ऑयल, वो भी बिल्कुल नेचुरल है। तो आपको जो ऑयलिंग करनी है वो नेचुरल ऑयल से करनी है, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स वाला यूज़ नहीं करना है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो नेचुरल जो आपको सूट करे, वो 10 या 15 डेज में आपको पता लग जाता है कि आपका जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हो वो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपकी ऑयली स्कैल्प होगी, तो अगर आप ऑयल को यूज़ कर रहे हो, कोई आपने दूसरा ऑयल चेंज किया है, तो आपकी या तो फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा या वहाँ पे पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो आपको खुद पे खुद ही पता लग जाता है और वहाँ पे क्या है डैंड्रफ भी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अपनी स्कैल्प के अकॉर्डिंग आप नेचुरल ऑयल कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट आपको ऑयलिंग ज़रूर करनी है। आप नाइट में ऑयलिंग करने के बाद सुबह वॉश कर सकते हो, किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर सकते हो, बट एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, वीक में केवल आपको 2 टाइम्स ही यूज़ करना है शैम्पू, ज़्यादा आपको शैम्पू को यूज़ नहीं करना है। शैम्पू का केवल काम होता है जो आप ऑयलिंग करते हो उसको रिमूव करना, जो आपके हेयर के जो चारों ओर जो डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं उनको रिमूव, उनको साफ़ करना, ताकि जो ऑक्सीजन है आपकी हेयर रूट तक जा सके। तो बस ये चीज़ होती है आपकी शैम्पू का, ये आपका शैम्पू का काम होता है। शैम्पू आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आपको ऑयलिंग ज़रूर करनी है। और जब जिस टाइम आप ऑयलिंग करते हो आपको अच्छी तरह मसाज करनी है अपनी ऑयलिंग में, अपनी जो फिंगर्स की जो आपकी टिप है अच्छी तरह आपको मसाज करनी है, जो आपका टेम्पल एरिया है, आप जो आपका फ्रंट एरिया है, बिल्कुल आपको अच्छी तरह मसाज करना है। तो ऑयल जो आप यूज़ करो, मैं आपसे बारी बारी बोलता हूँ, बिल्कुल नेचुरल ऑयल आपको यूज़ करना है। आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, अगर आपको अपनी पूरी हेयर रिग्रोथ जर्नी में कोई डैंड्रफ की प्रॉब्लम आए, तो बिल्कुल मत घबराना, ये मत सोचना कि पता नहीं अब हेयर ग्रोथ होगा भी या नहीं होगा। केवल आपको एक काम करना है, थोड़ी सी कर्ड मीन्स आपको दही में थोड़ा सा लेमन नींबू मिक्स कर लेना है, दही के साथ आपको नींबू मिक्स कर लेना है। उसको मिक्स करने के बाद लगातार यूज़ करिए 5 और 6 डेज़,
बिल्कुल नेचुरल तरीका है। और मैं बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल आपका सारा डैंड्रफ बिल्कुल साफ हो जाएगा स्कैल्प से। छोटे छोटे हेयर करा लेना और उसमें थोड़ी सी कर्ड यानी कि दही और लेमन मिक्स करने के बाद अपनी पूरी स्कैल्प पे अप्लाई कर लेना। आप उतनी ही दही यूज़ करना जितनी आपके स्कैल्प पे लग सके, और लगातार आपको 6 से 7 डेज इसको अप्लाई करना है। नहाने से 1 घंटे पहले या फिर हाफ एन आवर पहले आपको इसको अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद आपको बिल्कुल वॉश कर लेना है अपना हेड। इसको ट्राई करके देखना भाई, गारंटेड आपके 6 या 7 डेज में बिल्कुल आपका साफ हो जाएगा डैंड्रफ। और उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, हेयर का भी स्ट्रेस लेते हैं और पता नहीं कितना स्ट्रेस ले लेते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। तो बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है। कितनी से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको जरा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बिकॉज स्ट्रेस सबसे बड़ा रीज़न होता है आज के टाइम में आपका हेयर फॉल का। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा आपका हेयर फॉल होगा। तो अपनी हेयर रिग्रोथ जर्नी में स्ट्रेस को बिल्कुल गायब कर देना, ये सोचना बस कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और बिल्कुल पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहोगे तो हर चीज़ आपके साथ पॉजिटिव होगी। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप किसी भी टाइम सो रहे हो, किसी भी टाइम उठ रहे हो। आपको एक अपना पूरा टाइम टेबल रेडी कर लेना है। हो सके तो आप 10 o'clock या फिर 9 o'clock बिल्कुल आप नाइट में सो सकते हो। उसके बाद ये मत करना कि आप पूरी पूरी रात जाग रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो। अगर आप पूरी पूरी रात जाके फ़ोन यूज़ कर रहे हो और मतलब लैपटॉप ही यूज़ कर रहे हो, कुछ भी वर्क कर रहे हो, तो वो माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है। देखो यार, एक मशीन की तरह हम भी एक मशीन ही है। एक अगर मशीन है, एक मशीन को बिल्कुल रेस्ट चाहिए, तो हमें भी एक रेस्ट चाहिए। बिकॉज हम भी एक मशीन की तरह ही वर्क करते हैं, तो हमें भी अपनी रेस्ट चाहिए होता है। इसलिए आपको रेस्ट लेना है, और नियर अबाउट 7 और 8 आवर्स की आपको नींद जरूरी है। रेस्ट आपको लेना ही लेना है। जितना ज़्यादा आप रेस्ट लोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड जो है बिल्कुल अच्छा रहेगा, और आपको स्ट्रेस कम रहेगा, और आपका हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा, और हेयर रिग्रोथ भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको नींद जरूर लेनी है, अच्छी खासी आपको नींद लेनी है। और एक काम जरूर करना है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपनी हेयर रिग्रोथ जर्नी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया था, और उसका भी एक बहुत अहम रोल है मेरी हेयर रिग्रोथ जर्नी में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है कि जो आप एज्यूम करते हो, जो आप एज्यूम करते हो वो एक्चुअली आपके साथ होना स्टार्ट हो जाता है। आपको ये विजुलाइज करना है कि मेरे जो हेयर हैं वो वापस आ रहे हैं, जिस प्लेस से मेरे हेयर गए हैं वो एग्जैक्टली वहाँ पे वापस आ रहे हैं। इस तरीके से अगर आप लगातार सोचोगे रात को सोने से पहले, और जब आप मॉर्निंग में उठते हो, केवल आपको 2 टाइम्स ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है। बिकॉज सोने से पहले और जब आप सुबह को उठते हो, उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है, और जो आप विजुलाइजेशन करते हो वो बिल्कुल आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को फिट कर लेता है, और वो आपके जो माइंड है उस चीज़ को बारी बारी क्या करता है कि उस चीज़ को फीड करने के बाद वर्क करता है आपकी बॉडी पर। तो वो जो आपके हेयर हैं एग्जैक्टली वहाँ से आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था खुद की अपने हेयर रिग्रोथ पर। तो आपको जरूरी चीज़ करनी है, हो सके तो आप अपने मोबाइल की जो आपका वॉलपेपर है, कुछ अपनी ही पिक ऐसे लगा सकते हो जब आपके पहले अच्छे हेयर थे, या फिर आप कोई भी नेट से डाउनलोड करके वो पिक लगा सकते हो जिसमें किसी भी पर्सन के अच्छे हेयर हैं। आप उसको विजुलाइज करिए, और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। और उसके बाद बात करते हैं कि मॉडल्स के जो हेयर होते हैं वो एग्जैक्टली इतने अच्छे क्यों होते हैं। आपको क्या लगता है जो मॉडल्स के हेयर होते हैं वो ऐसे ही हैं, मतलब ऐसे रिग्रोथ हो रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो अपनी बहुत केयर करते हैं, बहुत केयर उनका रूटीन होता है, केयर रूटीन रखते हैं अपने हेयर्स का। अगर उन्हें सुबह को एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है, तो करनी है, वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, पूरा रूटीन बना लेना है। जिस टाइम आप खा रहे हो, उस टाइम आप सो रहे हो, ऐसा नहीं है किसी भी टाइम खा रहे हो, किसी भी टाइम सो रहे हो। बिल्कुल अपनी लाइफ का रूटीन बना लेना है, जो डेली लाइफ स्टाइल है बिल्कुल आपको रूटीन के साथ चलाना है उसको। उसके बाद देखना कि आपके हेयर बहुत अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट लेते हो, आपको बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट लेना है, उसमें न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। डाइट के लिए, हर चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, डाइट के लिए, एक्सरसाइज के लिए। आप बस डिस्क्रिप्शन में जाके देखना इस वीडियो के, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। 1 by 1 आपको वीडियोज़ को ओपन करना है, और डेफिनेटली भाई आपको उतनी हेल्प मिलेगा कि आप आफ्टर 4 मंथ्स आप खुद आके बोलोगे इस कमेंट में कि हाँ भाई, हमें मतलब जो सारे हेयर हैं वो दोबारा रीग्रोथ हो गए हैं। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको मॉडल्स की तरह हेयर चाहिए, बिल्कुल बढ़िया हेयर चाहिए, तो आपको रूटीन्स को फॉलो करना है पूरा, और अपनी पूरी डाइट को फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है, तो डेफिनेटली आपके जो हेयर हैं रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगे, और बढ़िया हमेशा लाइफ टाइम आपके जो हेयर आपके साथ देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।